अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज मैं आपके सामने जो चीज़ रिव्यू देने लगी वो है ऑयली स्किन के लिए, जिसके फेस पे एक्नी है और स्कार्स हैं और ब्लेमिशेज हैं, उनके लिए वो रिव्यू देने लगी हूँ कि आप घर में मौजूद किस तरह चीज़ों से अपनी फेस को ग्लोइंग कर सकते हैं, ब्राइटन कर सकते हैं और जो भी मसला आपके स्किन पे है वो ख़त्म कर सकते हैं, वो भी चंद ही हफ्तों में। ठीक है, जो हम प्रोडक्ट वहाँ से मार्केट से लेते हैं उससे तो हमें वक्ती तौर पे तो रिज़ल्ट मिल जाता है, बाद में हमारे फेस का बिड़ा गर्क हो जाता है कि कोई चीज़ यूज़ करने के काबिल ही नहीं रहता। हमें चाहिए कि हम वो चीज़ें यूज़ करें कि जो केमिकल्स फ्री हैं, नेचुरल हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, अल्कोहल फ्री है, हमें वो प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम घरेलू टोटके आजमाएं जो हम नेचुरल चीज़ें होती है उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है और हाँ रिज़ल्ट भी मिल जाता है, अगर हम इसको अपनी डेली बेसिस में यूज़ करें तो रिज़ल्ट भी हमें चंद हफ्तों में हमें रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। चलें अपना टाइम वेस्ट किए वो रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक खाली बोल की ज़रूरत है और हमें एक बनाना चाहिए। ठीक है, अगर आप फेस पे अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपको फेस के लिए एक बनाना काफ़ी होता है। बनाना वो लें जो ज़्यादा पका हुआ, मेरे पास इतना पका हुआ नहीं है, आप वो ले लें जो ज़्यादा पका हुआ ज़्यादा असर करता है फेस पे। ठीक है, अगर आपने नेक पे भी अप्लाई करना है नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ भी डार्क स्पॉट हैं और वहाँ वहाँ आप जो है ये रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। चले सबसे पहले बनाना लेते हैं, इसको पील ऑफ करते हैं। ठीक है, जो ऐसे का हो ना सारा पका हुआ है ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, इसको हमने जो भी हमने रेमेडीज तैयार करनी है सबसे पहले हमारे हैंड जो और फेस नीट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसको हम फोक की मदद से मैश कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको ग्राइंडर में भी चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपके फोक से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके टाइम पे डिपेंड करता है, अगर इतना टाइम नहीं है कि आप इसको मिक्सचर में डाल के इसको मैश करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैश हो रहा है और आपने इसका पेस्ट बनाया। ठीक है, ये देखिए मैश हो रहा है। ठीक है, ओहो आपने उतना ही पेस्ट बनाना है कि जितना आपके फेस पे लग जाए। ठीक है, आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि आपको पता है जो बनाना होता है वो थोड़ी देर बाद ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बनाना में कैल्शियम और पोटाशियम जो वाफर मकदार में है जो हमारी स्किन को बहुत हेल्दी रखती है, ग्लोइंग बनाती है हमारी स्किन को और जितना भी मसला होगा हमारी स्किन में वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें एक चुटकी के करीब हमने टर्मरिक यानी कि हल्दी डाल ली। हल्दी जो है एंटी बैक्टीरियल है, जो हमारी स्किन पे जितने भी वो एक्नी है डार्क स्पॉट हैं ख़त्म नहीं हो रहे इसको रिमूव करेगी। ठीक है, और सेकंड जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स है वो है कर्ड यानी कि दही, इस पे हमने एक स्पून दही डाल दिया। ठीक है, अब इन तीनों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। ठीक है, और अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। ये अब हमारा पेस्ट जो है रेडी है। कर्ड दही क्योंकि हम खाते भी हैं, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, ये हमारी स्किन को ग्लो करती है, फेयर बनाती है हमारी स्किन पे। और हल्दी और बनाना ये इनमें एंटीबैक्टीरियल जो है प्रॉपर्टीज़ मौजूद है, ये हमारी स्किन पे जितने भी मसले होते हैं इसको रिमूव करती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई मिल्क भी डाल सकते हो, वाइट एज आ वाइटनिंग के तौर पे काम करेगा। ये अब हमारा पेस्ट रेडी है। इसको यूज़ कैसे करना है, आपने अपनी स्किन पे इसको लगाया 15 मिनट अपनी स्किन पे लगाया। ठीक है, फिर आपने इसको जब ये ड्राई हो जाए तो आपने अपने फेस से
स्क्रब करते हुए सर्कुलर मोशन में आपने इसको उतारना है अपने फेस से, ठीक है। जैसे हम क्लींजिंग करते हैं, 3, 4 या 5 मिनट हमने इसकी मसाज करनी है अपनी फेस पे, तो फिर हमने अपने फेस से ये रिमूव कर देना है, ठीक है। और फिर बाद में ठंडे पानी से वॉश कर लें। और ये अब आप इसको हफ्ते में 4 से 5 मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं, इसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। हल्दी आपने इतनी सी डालनी करेंगे एक चुटकी के बराबर, ठीक है। और आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।